Hold me close till I get up. Time is barely up. Hey friends, welcome back to my channel Smile with Pooja. आज मैं ये अमूल कूल का ये जो ड्रिंक्स है इसका रिव्यू देने वाली हूँ. देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है ये है अमूल कूल का बादाम, और ये है अमूल कूल का इलायची, ये है अमूल कूल का केसर, और ये लास्ट वाला है अमूल कूल का रोज. देखिए ये ऐसे पैकेजिंग में आता है, प्लास्टिक पैकेजिंग में, और यहाँ पे लॉक है. ये जो बॉटल है देखिए सील्ड है पूरा, और ये टोटल 200 ml का है. आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन रहता है 200 ml. देखिए और इसका जो टेस्ट है भी बहुत अच्छा है, समर के लिए बहुत ही अच्छा है. ये शुगर फ्री नहीं है, इसमें शुगर है. और देखिए यहाँ पे मेंशन है इंग्रेडिएंट्स टोन्ड मिल्क, मिल्क सॉलिड एंड शुगर. यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, और इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मेंशन है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन होता है, और इसका MRP है 25 rupees, और ये बेस्ट बिफोर 180 डेज होता है फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेजिंग. देखिए बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम पैकेजिंग. और यहाँ इसको हमेशा कोल्ड और ड्राई एरिया में स्टोर करके रख सकते हैं. ये हो गया बादाम, और हमेशा देखेंगे आपको केसर और बादाम इजीली अवेलेबल होता है, पर ये इलायची और रोज़ इतने इजीली अवेलेबल नहीं है. इसका अगर टेस्ट बोलेंगे तो मुझे ये सबसे अच्छा लगता है बादाम और केसर. रोज़ भी अच्छा है, पर थोड़ा सा एसेंस का स्मेल आता है, और इलायची का भी सेम है. इलायची का भी आपको एसेंस इलायची का ज़्यादा आता है. देखिए और इलायची का भी सेम पैटर्न है, 25 rupees का है ये, और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है. ये भी 200 ml का है, और देखिए बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेजिंग. ये भी सेम है, इसका भी प्लास्टिक पैकेजिंग है, पर कलर का डिफरेंट आप देख सकते हैं. बादाम थोड़ा कॉफ़ी कलर का है, इलायची थोड़ा पिस्ता कलर का है ग्रीन, और ये जो केसर है ये थोड़ा येलो कलर का है, और जो रोज़ है ये पिंक कलर का है. देखिए अभी केसर का भी 200 ml है, और इसका भी देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट सब मेंशन है यहाँ पे. देखिए 25 rupees का है ये फॉर 200 ml, और इसका भी सेम है 180 डेज फ्रॉम द डे ऑफ पैकेजिंग. और देखिए एट लास्ट है ये रोज़ का आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है. इसको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं, इस बॉटल को आप ऐसे होममेड भी बना सकते हैं मिल्क में थोड़ा एसेंस या फिर कलर ऐड करके. मैं ज़रूर इसका वीडियो बनाऊंगी आप घर में कैसे बनाएंगे इस ड्रिंक को. इसका भी सेम पैटर्न है. ठीक है गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए. मैं कुछ नए वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.